अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन ट्री को हम किस तरह बना सकते हैं, और आपको याद होगा कि उसके अंदर जब हम जीनियम प्योरिटी वाला काम कर रहे थे और जहाँ पर हमारी जीनियम प्योरिटी जीरो हो गई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि हम इसके अंदर फीचर सिलेक्शन और मिसिंग डेटा वाली बात कर सकते हैं। आज हम उस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाएंगे और ये देखेंगे कि डिसीजन ट्री में हम फीचर सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं और मिसिंग डेटा को किस तरह हम फिल कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक डिसीजन ट्री है और ये हमारे पास उस डेटा का है कि हमारे पास हार्ट डिजीज है या नहीं है। अगर गुड सर्कुलेशन है और ब्लॉक्ड आर्टरीज है, फिर हम पूछेंगे कि चेस्ट पेन है, और अगर है तो इसका मतलब है कि 17 लोगों को हार्ट डिजीज है और सिर्फ 3 लोग ऐसे जिनको हार्ट डिजीज नहीं है। इसके बरक्स अगर गुड सर्कुलेशन है, ब्लॉक्ड आर्टरीज भी हैं और चेस्ट पेन नहीं है, तो सिर्फ 7 लोग ऐसे जिनको हार्ट डिजीज नहीं है और 22 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट डिजीज है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक पूरा डिसीजन ट्री बनाया हुआ है। अगर ऐसा होता जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ब्लॉक्ड गुड सर्कुलेशन है और ब्लॉक्ड आर्टरीज नहीं है, तो 13 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट डिजीज नहीं है और 102 ऐसे जिनको हार्ट डिजीज है। और यहाँ पर हमने चेस्ट पेन को मजीद क्लासीफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर वो वाली बात है कि इस पॉइंट पर जिनी इम्प्योरिटी थी वो ज़्यादा थी और हमने उसको स्किप कर दिया, जबकि उसको अगर हम स्किप ना करते, अगर मैं यहाँ पर उसको देखूँ कि अगर मैं चेस्ट पेन को सेपरेट करूँ, उसकी जिनी इम्प्योरिटी चेक करूँ, तो वो मेरे पास 0.29 आ रही थी, और अगर मैं उसको वैसे ही देखूँ विदाउट सेपरेटिंग तो मेरे पास 0.2 आ रही थी। हमारे ये काम होता है कि हम इम्प्योरिटी कम से कम लेकर जाना चाहते हैं, इस स्टेप पर इम्प्योरिटी कम यहाँ पर थी कि विदाउट सेपरेट हम आगे लेकर चलें, इसलिए यहाँ पर मैंने चेस्ट पेन को सेपरेट मजीद नहीं किया। हमने सिंपल ये कह दिया कि अगर गुड सर्कुलेशन है लेकिन आर्टरीज ब्लॉक्ड है, तो आपको हार्ट डिजीज होकर चेस्ट पेन देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये वाली बात इस तरह हमने यहाँ पर जो लिखी है, अगर ये वाली बात हो कि चेस्ट पेन की जीनियम प्योरिटी ऑल ओवर ज़्यादा हो और ब्लॉक्ड और उसकी कम हो, तो हम उसको ओवरऑल स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब उसकी जीनियम प्योरिटी ज़्यादा होगी। हमने सब ये देखना है कि गुड सर्कुलेशन है और ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं, तो हम सिंपल ये बता सकते हैं कि 24/24 को हमारे पास हार्ट डिजीज है या नहीं है, या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने उस जीनी इम्प्योरिटी को देखा और जहाँ पर उसकी जीनी इम्प्योरिटी ज़्यादा हुई और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मैंने जब उसको मैथमेटिकली चेक किया तो ब्लॉक की जीनी इम्प्योरिटी कम थी और चेस्ट पेन में जब मैंने सेपरेट करना था तो उसकी जीनी इम्प्योरिटी ज़्यादा थी, तो हमें उसको वहीं पर स्किप कर देना बेहतर लगा। ऑल दो डेटा के अंदर चेस्ट पेन का डेटा या उसके सारे पॉइंट्स मौजूद थे, लेकिन हार्ट डिजीज़ की जो प्रेडिक्शन है उसमें चेस्ट पेन की इम्प्योरिटी ज़्यादा होने की वजह से हमने उसको स्किप कर दिया, यानी कि हमने वो वाला फीचर एक्सक्लूड कर दिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिर्फ एक से दो फीचर सेलेक्ट किए, सर्कुलेशन का फीचर हमने उठाया और हमने ये देखा कि आर्टरीज ब्लॉक है या नहीं है, उसके बिना पर हमने ये प्रेडिक्ट कर दिया डिजीज्ड हार्ट है या नहीं है। ठीक है, इस केस में हमने क्या किया, फीचर सिलेक्शन किया। पिछले वीडियो में जब हम पॉपकॉर्न की बात कर रहे थे, वहाँ पर जिस पॉइंट पर भी आपकी जेन्युइन प्योरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी वाले फीचर, हम उस फीचर को ड्रॉप करके लेस इम्प्योर वाले फीचर को लेकर आते हैं, और हम उस फीचर को ड्रॉप कर सकते हैं अगर हमारे पास इम्प्योरिटी ज़्यादा हो रही हो तो। इस तरीके से हम फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं ये करूँ कि हमारे पास इस तरह का डेटा मौजूद हो, चेस्ट पेन वाला डेटा है, गुड सर्कुलेशन वाला हमारे पास डेटा है और ब्लॉक आर्टरीज का डेटा है, लेकिन यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू है, इसको फिल करने का एक तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पर ये देखूँगा जो फ्रीक्वेंट नंबर शो हो रहा हो वो मैं फिल कर दूँ, यानी कि नो है, यस है, यस है, और एक यहाँ पर कौन सा आना चाहिए। अब नो और यस मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो मुझे विजिबल हो रही हैं, तो ये ज़्यादातर फ़ायदा तो एक तो ये है कि जो फ्रीक्वेंट वैल्यू आ रही होती है उससे मैं डेटा को फिल कर दूँ। दूसरा जो मोर अप्रोप्रिएट तरीका ये होता है कि मैं एक कोरिलेटेड फीचर देखूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन और ब्लॉक आर्टरीज बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हमारे पास होते हैं, तो मैं ये देखूं कि नो नो, अगर चेस्ट पेन है तो आर्टरीज भी ब्लॉक है, अगर मेरे पास चेस्ट पेन है आर्टरीज ब्लॉक है यस, यहाँ पर यस है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हम यस अगर रखेंगे तो हाई कोरिलेशन की वजह से हमारा ये जो मिसिंग वैल्यू को हमने फिल किया वो हम ज़्यादा जस्टिफाई उसको कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये होगा कि हम उसको जो हमारे पास ऐसा कॉलम है ज़्यादा कोरिलेटेड है उसको देखते हुए हम वैल्यू वहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर ये वाला काम कोरिलेशन वाला हम करना चाहते हैं तो हम इसको न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट और वेट है,
हम ये देख सकते हैं हाइट और वेट, क्योंकि बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होते हैं आपस में, और उनका आपस में कोरिलेशन किस तरह का बन रहा है उस हवाले से हम एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करते हुए इस हाइट की मिसिंग वैल्यू को इस वेट के साथ फिल अप कर सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन हम किस तरह निकालेंगे और एक लीनियर ग्राफ किस तरह फिट कर सकते हैं वो हमने लीनियर इक्वेशन की वीडियो में देखा हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये दो अहम तरीके होते हैं जिनसे हम अपना मिसिंग डेटा जो है उसको फिल कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन ट्री, अ क्लासिफिकेशन ट्री और अ रिग्रेशन ट्री। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।